मामा भी हाई गाइस कर रही है। नो दिखाओ गाइस को, गाइस को दिखाओ। हस्बैंड जी बहुत दिनों के बाद ऐसे खाना खा के कैसा लग रहा है? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय चैनल रियांशीज ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और हम तो बहुत अच्छे हैं। और मैं जो अपना ये वीडियो है ना, वो आज घर के पीछे से स्टार्ट करी हूँ। तो ये वाला जो साइड है, ये हमारे घर का पीछे वाला साइड है और मैं यहाँ से अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि हम लोग ना यहाँ पर थोड़ा सा काम कर रहे थे। काम मीन्स मैं नहीं कर रही थी, मेरे हस्बैंड कर रहे थे। मैं सिर्फ यहाँ से साग उठा रही थी। तो यहाँ पर हम लोगों का था जो खेत में साग, तो उसमें ना थोड़ा सा कीड़ा हो गया है, इसलिए ना उस सबको काटना पड़ा। तो जो भी साग मतलब हम लोग खा सकते थे उसको मैंने उठा लिया है और बस पूरा देखो ये खाली हो गया है खेत। और मैं ना सुबह से मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए मैं सर में तेल लगाया है और ऐसे ही मैं वीडियो स्टार्ट कर दिया है। और को देखो मम्मा को, पापा का फ़ोन लेके आओ, जाओ पापा का फ़ोन लेके आओ। तो उसको भी हाई गाइस करना है इसलिए फ़ोन मांग रही है, तो फ़ोन दो। और तो साग उठाते उठाते ना हम लोगों ने प्लानिंग किया कि पहले मैं दिखा देती हूँ, ये देखो बनाना की लीव्स। तो हम लोग ना आज सोचे हैं कि बनाना का जो लीव्स है उसमें हम खाना खाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से ना मन कर रहा था। वैसे तो हम लोग हर रोज़ ही घर में जो बर्तन होते हैं मतलब प्लेट्स होते हैं उसमें खाना खाते हैं, तो आज हम लोग का मन हुआ कि इसमें खाना खाएंगे। इसलिए मेरे हस्बैंड ना 2-3 पत्ता को ऐसे काट के रख दिया है, वो बाद में मैं धो दूँगी उसको, अभी तो ज़रूरत नहीं है, जब खाने का टाइम होगा तब मैं उसको धो दूँगी। हमेशा हम लोग ना बर्तन में खाते हैं, मतलब जो प्लेट है घर में तो प्लेट में खाते हैं, तो इसलिए वैसे भी महंगे महंगे प्लेट में खाने से थोड़ा सा ब्रेक लेके कभी कभी ऐसे नेचुरल चीज़ में नेचुरल स्टाइल में खाने का भी मतलब अच्छा लगता है खाने में, तो इसलिए ना हम लोगों ने आज ऐसा किया। वैसे तो 100 रुपये का प्लेट मतलब 100 रुपीज़ का जो प्लेट होता है वो भी बहुत महंगा होता है, तो इससे भी महंगा महंगा प्लेट्स में लोग खाना खाते हैं, मतलब जिन लोगों का शौक होता है, तो 100 रुपीज़ भी बहुत महंगा ही होता है। तो इसलिए आज महंगाई से छुट्टी लेके नेचुरल करेंगे हम लोग। तो मैं चलिए दिखा देती वो जो जो मेरा हस्बैंड काट के रखा है जो बनाना की लिप्स, एक सेकेंड। तो है ये देखो, यहाँ में थोड़ा ना इसका उम्र ज़्यादा हो गया पत्ते का, जो वैसे भी ना बहुत अच्छे अच्छे थे, तो ये सामने था तो इसको ही हमने काट के लेके आए हैं हस्बैंड यहाँ में, तो इसको मैं धो दूँगी बाद में। और मैंने ना जो साग उठाया है वो उसको भी मैंने इधर देखो भिगो के रख दिया है। तो यहाँ पर है पालंग, उसके बाद लाई पत्ता और 2-3 अलग अलग है। तो चलिए अभी मैं जाऊंगी सीधा किचन, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। और मैं ना यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ और उधर देखो मामा उसका फ़ोन को लेके, मतलब पापा का जो फ़ोन है, तो फ़ोन को चलो चलो खेत में चलो चलो चलो, तो पापा का जो फ़ोन है वो लेके ना वो भी ब्लॉगिंग कर रही है। मतलब मैंने अभी जो खेत में दिखाया है सेम वो भी ना वही कर रही है, देखो। रुको एक सेकेंड, रुको 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 रुको, मेरा वाला नहीं, मेरा वाला रुको। नो उसमें ही ठीक है, रुको ऑन करके दे रहे, रुको। मामा भी हाई गाइस कर रही है। नो दिखाओ गाइस को, गाइस को दिखाओ। और ये ना ड्रेन के साइड में है, तो ड्रेन को प्लीज इग्नोर कीजिएगा आप लोग। और देखो मामा बैठ के आराम से, हाई गाइस बोलो, गाइस को दिखाओ, चलो बाय बोल दो। ओके तो पहले ना मैंने सोचा था कि खाने में सिर्फ चावल और दाल और एक फ्राई बना लूँगी, क्योंकि तो अभी थोड़ा सा डैम है। तो फिर मैंने सोचा कि जो सरसों का मतलब साग था ना उसमें थोड़ा सा फूल भी हुआ है, तो अभी ना एक फूल तो मैंने उठा लिया है और इसमें ना 2-3 कड़ी पत्ता भी मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि कड़ी पत्ता जो फ्लेवर है मतलब सेंट है उसको ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कड़ी पत्ता और सरसों का जो फूल है उसका मैं पकौड़ा बनाऊँगी और फिर एक न्यूट्रीला की सब्ज़ी बनाऊंगी और साग होगा, बस इतना ही। और मामा के लिए अंडा बना दूँ, क्योंकि हम लोग अंडा कुछ दिनों से अवॉइड कर रहे हैं, एलर्जी का प्रॉब्लम है तो इसलिए अवॉइड कर रहे हैं। देखो मुझे देख के लग रहा है ना मतलब, तो चलिए जल्दी जल्दी मैं सब कुछ कर लूँगी। सबसे पहले ऑनियन और जो लहसुन है उसको छीन लूँगी, फिर मैं करूँगी जो भी काम। तो चलो और मामा उनसे भी देखो सब जबरदस्ती लगी। तो
मेरे ना दोनों साइड में सब्जी ऑलमोस्ट बन चुकी है। सब्जी मीन्स ममा के लिए मैंने अंडा बनाया है और यहाँ पे हम लोगों के लिए न्यूट्रिला की सब्जी। तो देखो दोनों साइड में एक साथ में हो रहा है क्योंकि बहुत टाइम हो गया, अभी बज गया है शायद 12:30। तो मुझे 1 बजे तक सब कुछ कंप्लीट करना है, फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और मम्मा उसके पापा के साथ गए हैं, मतलब रास्ता में गया है थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि घर में ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। तो पापा छुट्टी मिलने से ना पूरा दिन पापा के साथ ही रहती है वो। और पूरा किचन ना मेरा देखो बहुत ज़्यादा मेसी हो के रखा है, देखो इसको सब मुझे ठीक भी करना है। और यहाँ पे देखो हो रहा है न्यूट्रिला की सब्जी और यहाँ पे मामा के लिए अंडा का सब्जी। तो मैं फटाफट ना ये सब कुछ करके फिर रेडी वगैरह होके जब मैं लंच करूँगी तब मैं दिखाऊँगी। तो चलो ये सब कुछ कर लेती हूँ जल्दी से और वीडियो को ना लास्ट तक देखिए, तो वीडियो में बने रहिए। तो मैं आ गई हूँ नहा के और मैंने खाना वाना बना के ना फिर किचन को क्लीन भी कर दिया। ये देखो किचन जो मोयड़ा पूरा क्लीन। तो अभी हम लोग खाएंगे, मम्मा को मैंने पहले ही खिला दिया है और अभी मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़ा सा काम कर रहे हैं तो काम होने के बाद हम लोग खाएंगे। तो चलो फिर दिखाती हूँ लंच में क्या क्या है। और वो जो बनाना लिप्स है मैंने उसको अच्छे से धो के रख दिया है। तो ये है आज का हमारा लंच जो कि है सरसों का साग, सरसों मतलब यहाँ में मिक्स साग है और यहाँ पे है सरसों का जो फ्लावर मतलब फूल होता है उसका पकौड़ा और चावल और यहाँ में है न्यूट्रिला की सब्जी। तो ये है आज का हमारा लंच। तो हम लोग बैठ चुके हैं देखो लंच लेके और वो देखो मम्मी उसके पापा के साथ। तो हम लोग ना सीधा सीधा ये जो मतलब बनाना लिप्स है इसमें ही खाना खाएंगे, कोई भी प्लेट्स यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर कोई ऐसा मत बोल देना कि हम लोग गरीब है बोल के प्लेट्स यूज़ नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं है। मतलब पहले ज़माने में ना ऐसा ही होता था, सिर्फ वो बनाना के लिप्स में खाना खाते थे। तो वो वाला फील हम लोग आज लेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सीधा सीधा हम यहाँ में ना बनाना लिप्स में ही खाना खाएंगे क्योंकि बहुत दिनों से मन कर रहा था। वैसे तो पनीर की सब्जी होने से भी और ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन कोई नहीं न्यूट्रिला हम चला लेंगे। और ये देखो मेरे हस्बैंड ने खाना भी स्टार्ट कर दिया है। हस्बैंड जी बहुत दिनों के बाद ऐसे खाना खा के कैसा लग रहा है? मजा। तो पहले ना बहुत पहले मतलब हम लोग जब दादाजी के घर में जाती थी पहले बहुत पहले जब कोई शादी वगैरह होता था तब ना डिश मतलब प्लेट देके फिर उसके ऊपर ऐसे बनाना लिप देते थे। फिर हम लोग दादाजी के घर में जब जाते तब भी ना ऐसे हम लोग खाते थे। तो अभी तो ये सब कुछ नहीं होता है, तो इसलिए ना मतलब महंगाई से निकल के थोड़ा सा नेचुरल आज कुछ कर रहे हैं हम, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए इतना ज़्यादा नहीं बोल के मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे हस्बैंड ने चालू कर दिया तो मुझे और रहा नहीं जा रहा है। तो जल्दी से अभी खाना है और ये देखो मेरा खाना।